The inner dimension of a closed wooden box are 2 meter by 1 by 2 meter by 0.75 meter. The thickness is given 2.5 centimeter. You have to find the cost of the wood required to make the box. If 1 cubic meter, ठीक है? अब आपने what you have to calculate here. चलो ठीक है महादेव यहाँ देखो अब इस वाले क्वेश्चन पे आपको कैलकुलेट क्या करना है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स. ठीक है, अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा. अब यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है सिर्फ. इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, क्रीम रोल का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. ठीक है, तो क्रीम रोल इज अ सॉलिड सिलेंडर, क्योंकि क्रीम रोल के अंदर क्रीम भी है ना. अगर मैंने क्रीम खा दी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इफ आई हैव ईटन ऑल द क्रीम ऑफ अ क्रीम रोल, तो वो जो बाहर का कवर बचेगा ना, वो जो बाहर का कवर है उसकी कॉस्टिंग मुझे निकालनी है. तो कैसे निकालूंगा मैं, पहले बाहर का वॉल्यूम निकालूंगा. कैसे निकालूंगा? टोटल वॉल्यूम में से, टोटल क्रीम रोल में से इनर वॉल्यूम खा जाऊंगा. इनर मतलब अंदर की क्रीम खा जाऊंगा. ठीक है, इफ आई विल ईट अंदर की क्रीम, व्हाट आई विल गेट? बाहर का हिस्सा, दैट क्रंची पोर्शन आई विल गेट. ओके, सो सेम हियर ऑल्सो, अगर आप आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर दोगे, आउटर का मतलब होता है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल क्रीम रोल में से अगर आप अंदर की क्रीम खा लोगे, यू विल गेट दैट बाहर वाला क्रंची पोर्शन. वही हमें बाहर वाला वुड निकालना है इसमें, और फिर हम लोग यूनिटरी मेथड लगा देंगे, इट विल गोइंग टू बी वेरी इजी. ठीक है, सो इनर डायमेंशंस आर गिवन टू यू, इनर डायमेंशंस. ठीक है, ओके, इसको मैं इस तरीके से, इनर और आउटर डायमेंशन आपको समझ में आना चाहिए. तो आई हैव टू ड्रॉ वन डायग्राम. ठीक है, ओके, मैं इस तरीके से, बल्कि इसको आपको बनाने की कोशिश करता हूँ. इस तरीके से एक एक वुडन बॉक्स है. ओके, क्योंकि थोड़ा सा चौड़ा है ना, इस तरीके से, इस तरीके से. ओके, ओके, तो थोड़ा सा मैंने इसको थिक दिखाया है. ओके, ओके, ठीक है, चलो. तो ये आपका एक एक वुडन बॉक्स है, जिसमें जो इनर डायमेंशंस हैं, देखो इनर डायमेंशंस में कैसे बना के दिखाता हूँ आपको. इनर डायमेंशंस, जो इनर लेंथ है, सिर्फ यहाँ से लेकर और सिर्फ यहाँ तक, इनर जो इनर लेंथ है वो कितनी है? 2 मीटर. तो 2 × 100 कर लूँगा, इट विल गोइंग टू बी 200 सेंटीमीटर. ठीक है, 200 सेंटीमीटर. जो इनर विड्थ है, दैट इज़ नथिंग बट 1.2. ठीक है, सो 1.2 × 100 कर लूँगा, दिस विल बी 120. इनर, सिर्फ इनर, ये इतनी सी बस इनर. ठीक है, सो दिस विल गोइंग टू बी 120 सेंटीमीटर. और हाइट, और हाइट विल गोइंग टू बी सिर्फ इनर हाइट. इस तरीके से दिखाऊंगा मैं, इस तरीके से. इफ यू इमेजिन दिस इनर हाइट, दिस इनर हाइट इज नथिंग बट 75 सेंटीमीटर. ओके, नाउ थिकनेस, नाउ द थिकनेस, थिकनेस ऑफ वुड, ये जो वुड है ना, इसकी जो थिकनेस है, ये जो मोटा है, जो ये वुड, इसकी जो थिकनेस है वो है 2.5 सेंटीमीटर. अगर 2.5 सेंटीमीटर इज द थिकनेस, नाउ यू कैन कैलकुलेट द आउटर वॉल्यूम. आउटर वॉल्यूम के लिए आपको आउटर डायमेंशन चाहिए. तो देखो आउटर डायमेंशन निकालना कितना आसान है. ओके, आप पहले टोटल डायमेंशन, आउटर डायमेंशन निकालो. इनर डायमेंशन तो आपको पता चल गया है, आउटर डायमेंशन विल बी हाउ मच. अच्छा, लेंथ कितनी जाएगी? आप लेंथ पे ध्यान दो. देखो लेंथ अंदर वाली 200 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 2.5 ऐड होगा, और यहाँ से इतना ही 2.5 ऐड होगा, यहाँ से 2.5 ये ऐड होगा, और यहाँ से 2.5 ऐड होगा. तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर और ऐड होगा दोनों तरफ से. समझ रहे हो इस चीज़ को? ओके, अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, क्योंकि अंदर का डब्बे का अंदर का, फॉर एग्जांपल, अगर अगर मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, ठीक है, अगर ये जो क्रीम रोल था और ये जो अंदर की क्रीम थी सपोज, ठीक है, ओके, इस तरीके से इसको एक बार समझने की कोशिश करना. ठीक है, तो यू विल कम टू नो. ओके, तो मैंने क्या करा, व्हाट आई हैव डन, ओके, मैंने यहाँ से, मुझे ये तो पता है इनर, ओके, इनर तो मुझे पता है. अब मुझे टोटल, अगर मुझे डायमेंशन निकालना हो, सपोज जो पूरा सर्कल है, अगर मुझे उसका डायमीटर निकालना हो, तो मैं यहाँ से थिकनेस ये ऐड करूँगा, ये ली येलो वाला पोर्शन, और एक नीचे वाला येलो, दोनों ऐड करूँगा, इट विल बी द टोटल डायमीटर. सेम हेयर ऑल्सो, 2.5 सेंटीमीटर वहाँ से और 2.5 सेंटीमीटर वहाँ से. ठीक है, सो दैट ऋषभ इज सेइंग ब्लैक क्रीम. ठीक है, सो डार्क चॉकलेट वाला है, आप ये सोचो क्रीम रूल. ओके, ठीक है, तो आउटर डायमेंशन विल बी हाउ मच, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी इसमें. ठीक है, डायग्राम में इट विल बी नथिंग बट लेंथ कितनी है, 200 सेंटीमीटर प्लस 2.5 और 2.5 प्लस 5 और करोगे आप, प्लस 5,
सो इट विल गोइंग टू बी 205 सेंटीमीटर विल बी द आउटर डायमेंशन, ओके आउटर लेंथ एंड आउटर ब्रेथ विल बी गोइंग टू बी, ब्रेथ में भी आप देखो कि 2.5 ऐड होगा यहाँ से और 2.5 यहाँ से ऐड होगा, देखो इसमें ये ना इसमें 2.5 ये वाला इसकी चौड़ाई और 2.5 इसकी चौड़ाई विल गोइंग टू बी ऐड आउटर की अगर मैं बात करूँ पूरा, ठीक है। सो आउटर विल बी हाउ मच, 120 में 5 जोड़ दो तो 120 प्लस 5 इट विल गोइंग टू गिव यू 125 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हाइट में भी क्या होगा, नीचे का पोर्शन ये 2.5 ये ऐड होगा और ऊपर का 2.5 ये ऐड होगा, 5 ऐड होगा, सो 75 प्लस 5 विल गोइंग टू गिव यू 80 सेंटीमीटर, ठीक है। बस अब आपको सिर्फ अगर वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, आपको सिर्फ भार का वॉल्यूम निकालना है, तो आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए टोटल वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर दो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू नथिंग बट आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो आउटर वॉल्यूम कितनी आई डायमेंशंस मेरी, मैं डायमेंशंस देखता हूँ, 205 इंटू ओके 125 इंटू 80 माइनस इनर, इनर कितना है, इनर तो मेरा कितना है 200 इंटू 120 इंटू 75, ओके सो अच्छा स्पीड सही आ रही है, स्पीड इज फाइन, माय ऑडियो क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी इज ओके, ऋषभ सिलवाल प्लीज मेंशन, ओके चलो ठीक है बच्चे, दे आर सेइंग यस, ओके। तो अब वॉल्यूम ऑफ फूड तो मेरा यहां से आ जाएगा बहुत इजीली, ठीक है, यहां से वॉल्यूम ऑफ फूड विल गोइंग टू कम, ओके ओके ओके। और वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के बाद वी हैव टू जस्ट अप्लाई यूनिटरी मेथड, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ वुड निकाल लो, ओके तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए ठीक है आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है मल्टीप्लाई करके करोगे तो योर कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी बिग, ठीक है ओके ओके तो इसको आप मल्टीप्लाई करके माइनस करके भी आंसर निकाल सकते हो, तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 205 इनटू 125 इनटू 80, वन थ्री फाइव जीरो माइनस करने के बाद आउटर माइनस इनर, टेल मी फास्ट, हम्म, 205 इंटू 125 इंटू 80 विल गोइंग टू गिव मी 205000 माइनस, माइनस किससे करना है आपको, हम्म, 200 इंटू 120 इंटू 75, सो इट विल गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 1800000, ओके और जब आप माइनस करोगे, इफ यू विल सब्ट्रैक्ट, ठीक है इसको सब्ट्रैक्ट करो 205000, ओके माइनस 205000 माइनस 180000, इट विल गोइंग टू गिव मी हाउ मच, अराउंड 250000, प्लीज चेक इट फास्ट, ओके तो इस तरीके से आप इसे, वेरी गुड ओके, तो आपने मल्टीप्लीकेशन मुझे बता दिया और इस तरीके से, तो ये वॉल्यूम ऑफ फूड आ गया आपका इन सेंटीमीटर क्यूब, ओके तो दिस इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ, चलो ठीक है। बस अब आपको यूनिटरी मेथड निकालना है,
अब आपका वॉल्यूम ऑफ वुड तो आ चुका है, अब आपको क्या दिया है, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वुड कॉस्ट। अब 1 क्यूबिक में दिया है, 1 क्यूबिक मीटर कितने का है, 5400, तो 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर का मतलब है 1 मीटर क्यूब, 5400। इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी हम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे, तो 1 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 5400। और अब हम लोग लगाएंगे यूनिटरी मेथड, ठीक है, ओके। हाँ अब यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं, नाउ इट्स वेरी इजी, तो यहां पर लगा लेता हूं मैं, ओके। सो 6 जीरोज ना, हाँ 1 2 3 4 5 6, अगर 1 2 3 4 5 6 जीरोज सेंटीमीटर क्यूब में जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 5400 रुपीज, तो 2 5, ओके 2 5 0 0 0 0 0, ठीक है, ओके 1 जीरो ज्यादा हो गया। इसमें कितना खर्चा आएगा, दिस वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, इट्स लेस, ठीक है, ओके 1 के आगे 6 जीरोज आर देयर, ओके, तो यहां पर आएगा लेस, तो लेस का फॉर्मूला क्या होगा, लेस बाय मोर इनटू इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है, तो लेस इज 1 2 3 4 5 6 अपॉन 2 5, 1 2 3 4, ये 4 जीरो से 4 जीरो आप कैंसिल कर लेना, ठीक है, इंटू 5400, ओके इंटू लेस बाय मोर, तो यहां पर हमने मोर बाय लेस कर लिया, ठीक है, इसको लेस बाय मोर करते हैं, यहां पर लेस इज हाउ मच, लेस इज 2 5 1 2 3 4 अपॉन लेस बाय मोर, मोर इज 1 2 3 4 5 6 इंटू इंडिविजुअल वैल्यू इज हाउ मच, 5400 रुपीज, बस दिस वी हैव टू सॉल्व, ओके 4 जीरो में से 4 जीरो तो हमने काट दिए, 25 4 जा, तो ये आ गया 5400 अपॉन 4 रुपीज, सो 5 वन्स आर 5, ठीक है, एंड 14, सॉरी 4 वन्स आर 4, 14 4 3s आर 12, 20 1350 रुपीज, वेरी गुड, ठीक है, तो 1350 रुपीज, ऋषभ सिलवाल यू आर राइट, ठीक है, सो 1350 आंसर।